गुरु जी द्वारा भाई भक्तु के पुत्र गौरे को बख्शना। भाई भक्तु का पुत्र गौरा जो कि बटिंडे का राजा था, गुरु हरि राय जी के आने की खबर सुनकर उनके पास पहुंचा। उसने एक अच्छा घोड़ा और 500 रुपए भेंट कर गुरु जी को माथा टेका। गुरु जी ने गौरे से पूछा, जिस लड़की से भाई भक्तु ने अपनी मृत्यु से पहले वचन के द्वारा ही शादी की थी, उसका क्या हाल है? गौरे ने कहा, महाराज हमारी धर्म माता खुश है। गौरे की यह बात सुनकर गुरुजी के चौरी बरदार भाई जस्से ने हंसी से कहा, वह स्त्री तो अभी जवान है, आप उसका मेरे साथ विवाह कर दो। यह बात सुनकर गौरे को गुस्सा आया और उसने अपने आदमियों से जस्से को गोली मारकर मरवा दिया। जब इस बात का पता गुरुजी को लगा तो गुरुजी ने सबसे कहा कि कोई हमें गौरा की सिफारिश ना करे और ना ही वह हमें मुंह दिखाए। जब गौरा को गुरुजी की नाराजगी का पता लगा तो उसने डर कर प्रण किया कि जब तक वह गुरुजी को खुश नहीं करेगा तब तक घर वापस नहीं जाएगा। यह निश्चय करके गौर अपनी सेना सहित गुरुजी के पीछे लग गया और रात दिन भूल बख्शवाने के लिए मन में आराधना करने लगा। जब गुरुजी करतारपुर वापस चले गए तब गौरा भी कीरतपुर के बाहर आवास करके 6 महीने बैठा रहा। एक दिन गुरुजी अपने परिवार सहित कीरतपुर से सतलुज नदी के साथ साथ चल रहे थे। गुरुजी घोड़े पर सवार थे, पीछे कुछ योद्धा भी थे। वहां गौरा भी अपने 300 शूरवीरों के साथ चल पड़ा। उधर से लाहौर से एक नवाब कुछ सवार लेकर दिल्ली को जा रहा था। उसने डोले पर सामान जाता देखकर पूछा कि यह कौन जा रहा है, तो एक सिख ने बताया, यह गुरु हरि राय जी के घर डोलियों पर सामान जा रहा है। मुस्लिम उबराओं ने अपने साथियों से कहा कि सब कुछ लूट लो। गुरुजी तो बहुत आगे आगे चल रहे थे परंतु गौरा पीछे पीछे आ रहा था। उसने जब देखा कि तुर्क सेना के आदमी गुरुजी का सामान लूटने के लिए आगे आए हैं तो उसने उनके साथ डट कर मुकाबला किया और सबको मार भगाया। गुरुजी का सामान सही सलामत पहुंच गया। इस बात का पता जब गुरुजी को लगा तो वह बहुत प्रसन्न हुए। गुरुजी ने उसको माफ भी कर दिया। तब गुरुजी ने उसको आज्ञा दी कि बटिंडे जाकर अपना राज भोगो, गुरु घर तुम पर प्रसन्न है। ऐसी बात सुनकर और गुरुजी का आशीर्वाद लेकर गौरा बटिंडे को चल पड़ा।